देश आज याद कर रहा है अपने उन 20 सपूतों को जिन्होंने 20 साल पहले कारगिल की लड़ाई में दुर्गम पहाड़ियों पर तिरंगा फहरा दिया था, पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया था और ऐसा सबक सिखाया था कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी नहीं भूलेंगी। मेरे साथ अचल मल्होत्रा साहब है, फॉर्मर डिप्लोमेट है। अचल मल्होत्रा सर, आपसे सवाल सर यही, पिछले 20 साल में मैं आपसे कहूं कूटनीतिक तौर पर हिंदुस्तान ने करगिल के दौरान भी हिंदुस्तान डिप्लोमेटिकली कितना मैच्योर हुआ है, परिपक्व हुआ है सर? आदिति देखिए, अगर आप कारगिल को ही एक बेस पॉइंट मान के चलते हैं तो कारगिल एक ऐसा एपिसोड था जहां हमारी एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय भी हुई थी। ऑफकोर्स आर्मी के फ्रंट पे तो जो विजय हुई थी उसके बारे में आज बात कर ही रहे हैं। 140 पोस्ट पे पाकिस्तान ने जो कब्जा किया था उसे हमने रिपेल किया और वापस अपना उसे जीता और उसे ऐसा सबक सिखाया कि दोबारा वो इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश नहीं करेगा। अच्छा, आपको माफी के साथ यहाँ पर रोक लूं। ऑफ ऑक्यूपाइंग द हाइट्स अराउंड द्रास वेयर वी आर नाउ सीटेड, कारगिल, बटालिक एंड तुरतुक। When the task was given to the Indian Army to evict the intruders, I recall the statement by the then Prime Minister, Sri Atal Bihari Vajpayee, when he said, "The Indian Defence Forces have been directed to remove this infiltration from these icy heights," and he went on to add, that even before the Indian soldier is launched into battle, we are confident the victory will be ours. That was the confidence he had imposed on the defense services. And the defense services did not let him down. You have, over the past 2 days, witnessed accounts of the battles that were fought on these icy heights under very difficult and challenging circumstances. Yet the Indian soldier did not fail in his duty. He ensured that the task given to him